हे गाइस, मेरी फ्रांस के वीलॉग्स की ये जो जर्नी है ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मुकाम पे पहुंच चुकी है। आपने इस जर्नी में मेरा साथ दिया है, बहुत दिनों से आप ये वीलॉग देख रहे हैं, मगर अब एक कमाल के पॉइंट पे मैं पहुंच चुका हूं, जहां पे नॉर्मंडी और बोर्डो की खूबसूरत जगह घूमने के बाद में अब मैं वापस आ गया हूं पेरिस में। और पेरिस आते ही मुझे अचानक ऐसा फील होने लगा है जैसे जैसे मैं घर वापस आ गया हूं। पेरिस से एक लगाव हो गया है और वापस आते ही कंफर्ट की फीलिंग, एक घर वाली फीलिंग आने लगी है। स्टेशन से जैसे ही मैं निकला और टैक्सी में बैठा तो टैक्सी में जो मेरा टैक्सी वाला था उसका नाम था मुस्तफा। आई थिंक योर नेम इज वेरी पॉपुलर फॉर मेकिंग सॉन्ग्स, आई थिंक फॉर रोमांटिक सॉन्ग्स आल्सो एंड फॉर फ्रेंडशिप सॉन्ग्स आल्सो। पॉपुलर नेम मुस्तफा? यस 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 ऑफ कोर्स। उससे तुरंत ही मेरी दोस्ती हो गई क्योंकि आपको तो पता है मुस्तफा अगर नाम हो तो दोस्ती की बात करना जरूरी है। मुस्तफा 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 ने मुझे पेरिस का जो ओपेरा हाउस है उसके बारे में बताया क्योंकि हम वहीं से ड्राइव करके जा रहे थे। उस वक्त मुझे लगा कि कभी ना कभी इस ओपेरा हाउस पे आके मुझे भी परफॉर्म करना चाहिए, शायद एक दिन ऐसा आए कि मैं यहाँ पे इतने बड़े स्टेज पे परफॉर्म कर सकूं। अब मौका मिले ना मिले जिंदगी में, लेकिन बोल देने में क्या हर्ज है, तो मैंने तो उसको बोल दिया कि भाई एक दिन मैं जरूर परफॉर्म करूंगा। आई नो यू डोंट टेक मी सीरियसली बट आई प्रॉमिस यू आई विल। और मुस्तफा ने बताया कि वहाँ पे आप ऐसे ही परफॉर्म कर सकते हैं, वहाँ पे सीढ़ियों के बाहर भी शो होते हैं, पर इच्छा तो अंदर परफॉर्म करने की है। ओके आउटसाइड आउटसाइड या एंड दैट इज फ्री? इट्स फ्री या या सो इफ आई इफ दे डोंट अलाउ मी इनसाइड बट आउटसाइड डेफिनेटली आई कैन मेक माय सॉन्ग। खैर, ओपेरा हाउस देखने के बाद में वहां से निकल के मैं आ गया अपने होटल की तरफ। मेरा खूबसूरत होटल एक खूबसूरत इलाके में लोकेटेड है जिसका नाम है पिगैल। इस एरिया के बारे में बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें मुझे आपको बतानी है। सबसे पहली बात तो इसका नाम पिगैल, वो एक बहुत ही फेमस स्कल्प्टर थे, उनके नाम पे रखा गया है, जॉन बैप्टिस्ट पिगैल। पिगैल को पेरिस का दिल कहा जाता है। जैसे पेरिस अपने आप में यूरोप का दिल है, वैसे ही पिगैल अपने आप में पेरिस का दिल है। लेकिन ये एरिया बहुत ही इनफेमस है, यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे जब अलाइड फोर्सेस यहाँ पे आए, जो अमेरिकन और ब्रिटिश और जो दूसरे सोल्जर्स थे वो इस इलाके को पिग एली भी कहते थे। क्यों कहते थे? क्योंकि इस एरिया में बहुत कमाल की नाइट लाइफ है, कैबरेज है, एडल्ट शोज है, एडल्ट एंटरटेनमेंट है, सेक्स शॉप्स है, तो वहाँ पे बड़े लुटेरे टाइप के लोग भी होते हैं। वो आपको जबरदस्ती अपनी शॉप में ले जाएंगे डांस डांसर सिखाने के लिए और फिर आपसे पैसे वसूलेंगे। पहले आपको बोलेंगे कि एक ड्रिंक के इतने पैसे होंगे, फिर में आपने वो ड्रिंक ले लिया उसके बाद में आपसे और ज्यादा पैसे मांगेंगे। बोलेंगे नहीं नहीं आपने तो डांस भी देखा है इसलिए इतना पैसा दे दो, ये कर दो वो कर दो, और फिर बॉडीगार्ड को बुला लेंगे, हंगामा क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। थैंकफुली मुझे पेरिस में मेरे जो दोस्त हैं उन्होंने पहले ही बता दिया था कि यहाँ पे आपको अपने काम से काम रखना है, ज्यादा इधर उधर घूमने की जरूरत नहीं है, तो फंसिए मत। मगर बहुत खूबसूरत इलाका है, बहुत प्यारी नाइट लाइफ है, बहुत प्यारी शॉप्स हैं, बहुत सारी दुकानें हैं, एडल्ट शॉप्स हैं, आप देख सकते हैं, घूम सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन ये थोड़ा ग्रोनअप्स का इलाका है, यानी कि बड़े लोगों का, मैच्योर लोग, 18 साल से कम उम्र वाले बच्चे अगर आपके साथ में है तो आप इस एरिया इलाके में आए नहीं, ये मैं आपसे कहना चाहूंगा। और शाम के लिए नाइट लाइफ यहाँ की कमाल होती है, उसके बारे में आगे बताऊंगा, लेकिन पहले मैं आपको ले चलूंगा अपने होटल, मेरा खूबसूरत होटल, ब्यूटीफुल होटल विला रॉयल। बहुत ही रिच, बहुत ही लैविश, बहुत ही बरोक स्टाइल का होटल है। ये जो बरोक स्टाइल का आर्किटेक्चर होता है, 17th सेंचुरी, बड़ा रोमन आर्किटेक्चर होता है, इसमें बहुत ही कॉन्ट्रास्ट, बहुत ही एग्जिबरेंट डिटेल, बहुत ही कलरफुल, बहुत ही ग्रैंडियर, और एक सरप्राइज करने की कोशिश होती है, मूवमेंट कॉन्ट्रास्ट, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल स्टाइल। ये हेरिटेज होटल है, आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे आप किसी और एरा में, किसी और टाइम में चले गए हैं। बहुत ही खूबसूरत होटल बनाया गया है। एंड दिस इज अ लिफ्ट, इट्स अ स्मॉल लिफ्ट बट दिस आर्टवर्क ऑन एवरी फ्लोर, सो एज वी पास अप सी। दोनों साइड कांच के डोर्स हैं और कांच के डोर के पीछे की तरफ वॉल में पेंटिंग्स 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 किया है, तो जैसे जैसे आप ऊपर चढ़ते जाते हैं वॉल के साथ साथ में वैसे वैसे आपको पेंटिंग्स दिखती है, बहुत ही खूबसूरत है। ये आंटी को देख के टाइटैनिक की याद आ गई। होटल्स के सभी रूम्स बड़े स्पेशल हैं, अलग अलग हैं। ये है जोसेफिन बेकर रूम। Come on,
जोसेफिन बेकर जो है वो मुला रूज की यानी यहाँ का जो फेमस कैबरे है उसकी बहुत फेमस डांसर हुआ करती थी, एक्ट्रेस हुआ करती थी, उनके नाम से एक रूम है और एक रूम है जॉन गैबिन के नाम से। इनको देखे तो नाना पाटेकर की याद आ गई। एक दूसरे का सुख दुख बांटते थे, अपने टकले पे गणपति लेके काय को जाता था पानी में। जॉन गैबिन जो है फ्रांस के लाइव शो, थिएटर, फिल्मों के बहुत बड़े एक्टर थे, गॉडफादर ऑफ फ्रेंच सिनेमा कहा जाता है उन्हें। तो इनके नाम पे भी एक रूम है और एक ये फेमस नाम का रूम है लॉन्जरी। मजाक कर रहा हूँ, ये लॉन्जरी कैबिन था जहाँ चीजें रखी जाती है। लॉन्जरी से मुझे याद आया शेक्सपियर ने कहा था ब्रेविटी इज द सोल ऑफ विट और डोरोथी पार्कर ने कहा था ब्रेविटी इज द सोल ऑफ लॉन्जरी। खैर अब मेरे रूम के आगे ऐसी कोई स्पेशल चीज नहीं थी क्योंकि मैं अकेला इस रूम में, मेरा सिंगल रूम था। दिस इज माई रूम, इट्स ब्यूटिफुल। ये 4-स्टार होटल है और यहाँ पे रहने के लिए अक्सर जो लोग आते हैं वो कपल्स में आते हैं, हनीमूनर्स होते हैं और वो लोग जो मतलब कि इंटीमेसी के लिए इस होटल में आते हैं। मगर मेरे साथ कोई था नहीं, मैं अकेला था तो मुझे वहां सिंपल सा रूम दिया गया। मगर ये सिंपल सा रूम भी सिंपल नहीं था, बहुत ही खूबसूरत था। It has old-style locks, door knobs. It's like you've come to some other time. Every corner of the room is done in a very old classic style. Lovely. Beautiful. It's got a tub. ये शार देख के मुझे साइको याद आती है। हिचकॉक हैज रूम शार्स फॉर मी। ब्रास फिटिंग्स एंड इट ओवरलुक्स द सिटी, इट्स ब्यूटीफुल व्यू। अब इस इलाके की अगर हम बात कर रहे हैं पिगैल की जो मेरी बालकनी से दिख रहा है, ये शाम को ये वापस जिंदा हो उठता है और जिंदा हो उठता है इसका खास कारण है उसकी सबसे बड़ी जो चीज है, जो सबसे फेमस है यहाँ पे, वो है मुला रूज। मैं मुला रूज के बारे में भी आपको बताऊंगा क्योंकि मैं उसी शाम, पहली शाम जब रुका, मुला रूज देखने के लिए गया। मुला रूज माई नेक्स्ट वीलॉग।